तो एक बात तो पक्का है कि आप लोगों ने आज तक काफी डिफरेंट टाइप के लिक्विड कूलर्स को देखा होगा। इवन मैंने भी अभी तक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिक्विड कूलर्स को रिव्यू करा है चैनल पे, एंड सब के सब काइंड ऑफ अच्छे होते हैं। बट आज जिस लिक्विड कूलर का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, ये है फ्रैक्टल डिजाइन का न्यू लिक्विड कूलर। एंड इसका जो डिजाइन है ना, इसका जो लुक है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर आप फ्रैक्टल डिजाइन के ही सीरीज में जाओ तो उन्होंने कुछ अलग ही करके दिखाया है। इवन मैंने मार्केट में जितने लिक्विड कूलर्स देखे हैं उनमें से इसका जो लुक है वो सच में इतना ज़्यादा प्यारा इन लोगों ने बनाया, मुझे नहीं पता क्या करके बना दिया, बट भाई बहुत प्यारा लग रहा है। एंड मैं ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट नहीं करता हूँ बिकॉज मेरी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे फ्रैक्टल डिजाइन के ल्यूमिन S36 RGB लिक्विड कूलर के बारे में। एंड ये जो लिक्विड कूलर है कितने का आता है, कहाँ पे अवेलेबल होगा, एंड कैसी इसकी परफॉर्मेंस होगी, कैसे थर्मल्स होंगे, क्या किस टाइप के फैंस मिलते हैं, कितनी RGB भर के मिलती है इसके अंदर, एंड सारी वो डिटेल्स जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको गेमिंग एंड PC रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो एक बार आप मेरा चैनल देखिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। तो अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करना चाहूंगा यहाँ पे आज की वीडियो के लाइक एम के बारे में, जो कि है 2500 लाइक्स का लाइक एम। आई होप आप हमेशा की तरह कंप्लीट करवा ही दोगे। एंड अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके अनबॉक्सिंग एंड इसके बॉक्स कंटेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि हमको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, एंड बाकी सारी चीजें आपको भी वीडियो के अंदर टाइम्स दे रखे हैं तो आप डेडिकेटली वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो अभी सीधा चलते हैं इसके अनबॉक्सिंग एंड बॉक्स कंटेंट्स की तरफ। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे है बॉक्स जो कि आता है यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर के अंदर, एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी बेसिक स्पेक्स दे रखी है बॉक्स के ऊपर ही। उसके बाद जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहली जो चीज देखने को मिलेगी वो है यूजर गाइड, जिसके अंदर आपको काफी अच्छी खासी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है ऑफ हाउ टू इंस्टॉल दिस लिक्विड कूलर, तो वो इजीली आप इंस्टॉल कर पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अलग से पैकेट मिलता है जिसके अंदर आपको सारे थंब स्क्रूज, माउंटिंग स्क्रूज, बैक प्लेट, ब्रैकेट, स्पेसर, वॉशर, ARGB केबल एंड और भी काफी सारी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है इस लिक्विड कूलर को इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे फ्रैक्टल डिजाइन के एस्पेक्ट 12 RGB PWM फैंस, जो कि आपको टोटल 3 देखने को मिलेंगे। एंड देन फाइनली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका लिक्विड कूलर जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि लिक्विड कूलर भी काफी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ के बनाया जाता है बिकॉज एट लास्ट वो है तो एक क्लोज लूप ही ना, जैसे कि वाटर कूलिंग काम करती है तो ये क्लोज लूप ही एक तरीके से जो कि आप कंज्यूमर लेवल पे जाके बिल्कुल प्री मतलब के बना हुआ आप खरीद सकते हो। मेरी बात समझ गए होंगे आप। तो देखो मेन बात ये है कि अभी मैं आपको यहां पे इस लिक्विड कूलर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जैसे कि इसका पंप हेड, जो कि शायद से पंप हेड बोलना बेकार रहेगा बिकॉज इसका जो पंप है वो रेडिएटर के अंदर डाल रखा है इन लोगों ने, तो उसको CP ब्लॉक बुलाते हैं, ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद इसकी ट्यूब्स के बारे में, रेडिएटर के बारे में, इसके फैंस के बारे में एंड फाइनली थर्मल्स के बारे में। तो अभी सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके पंप हेड के, सॉरी फिर से गलत, इसके CP ब्लॉक के बारे में एंड अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख ही पाओगे कि यार जो डिजाइन है ना वो सुपर यूनिक है। टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक जितने भी लिक्विड कूलर को रिव्यू करा है तो वहां पे मुझे इस टाइप का लुक देखने को नहीं मिला है एंड ये बहुत सही लगता है। इवन अगर पुराने वाले प्रिज्मा जो फ्रैक्टल डिजाइन का प्रिज्मा S36 आता है उससे कंपेयर करें तो उससे भी इसका डिजाइन काफी ज्यादा अलग है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अलग है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका जो CP ब्लॉक है वो काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन का है, काफी उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है एंड दिस इज बिकॉज कि यहाँ पे जो पंप है ना वो इसके अंदर नहीं है, जो पंप है वो है रेडिएटर के अंदर। नाउ अभी मैंने काफी सारे लिक्विड कूलर्स को देखा है जिसके अंदर जो पंप होता है ना वो रेडिएटर के अंदर फिट करा जाता है। उसका सिंपल सा एक रीजन ये होता है बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो CP ब्लॉक होता है वो डायरेक्टली आपके CPU के ऊपर इंस्टॉल करा जाता है एंड जिसकी वजह से जब वो हीट होता है, जब वो अपनी पूरी पोटेंशियल पे चलता है एंड जो मेन काम है लिक्विड कूलर को उसे ठंडा करना, तो वहां पे जो वो पंप है जो कि डायरेक्टली बहुत पास है उस हीट सोर्स से, तो हो सकता है कि वो जो हीट सोर्स है वो उस पंप को खराब कर सके, हो सकता है। तो इस वजह से इसकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, पंप की लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए इसको यहां पे फिट करा जाता है इन द रेडिएटर, सो दैट ये वाला इशू यहां पे एलिमिनेट हो सके। तो जैसे कि आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पे फ्रैक्टल डिजाइन का एक लोगो देखने को मिलता है हमको CP ब्लॉक के ऊपर एंड यहां पे जितना भी और पार्ट है इसका टॉप कवर है वो बिल्कुल पूरा टोटली ब्लैक कलर के अंदर आता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ब्लैक कलर के अंदर से RGB कैसे निकल के आएगी, बट भाई मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं जो डिफ्यूजन है RGB का वो बहुत प्यारा है। मुझे लग रहा था कि यार किस टाइप का होगा ओवरऑल लुक, फोटोज के अंदर काफी अच्छा दिख रहा था बट जो डिफ्यूजन है ना RGB का इट इज नेक्स्ट लेवल टू बी ऑनेस्ट। जो यहाँ पे टॉप कवर भी है वो भी रिमूवेबल है एंड उसका जो डायरेक्शन है आप उसको यहाँ पे 90 डिग्री के इंटरवल्स पे रोटेट भी कर सकते हो, सो दैट अगर आप कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पे अपना लिक्विड कूलर को माउंट कर रहे हो तो वो बिल्कुल सीधा ही दिखे, तो ये चीज अच्छी लगी मुझे। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे CP ब्लॉक है उसके साइड वाले पार्ट में आपको मैट फिनिश देखने को मिलती है जो कि मुझे काइंड ऑफ यूनिक लगी एंड थोड़ा प्रीमियम साइड भी लगा कि यार हाँ यहाँ पे मैट फिनिश देखने को मिलती है हमको CP ब्लॉक के ऊपर, थोड़ा
यूनिक चीज थी। कोल्ड प्लेट की बात करें तो यहाँ पे अच्छा एरिया दिया गया है एंड इसके साथ आपको देखने को मिलता है प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट एंड यहाँ पे जो इसकी कोल्ड प्लेट है वो कॉपर कोल्ड प्लेट है, तो ये चीज ध्यान रखना। एक चीज जो मुझे काफी बेकार लगी वो ये है कि यहाँ पे जो ARGB केबल कनेक्टर हमको लगाना है अपने CPU ब्लॉक में वो नीचे की साइड से लगाना है। इवन मैंने एक Corsair के हाइड्रोएक्स वाले CPU ब्लॉक के अंदर भी कंप्लेन करा था कि उसके वायर्स नीचे से आती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो वायर है ना या तो उसे ऊपर की तरफ यहाँ पे कनेक्ट देना चाहिए था। बिकॉज मैं आपको सच्चा से बताऊं, एक तो ये थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर का है ना, तो उसके साइड के जो एरिया वो सब दिखता है, वहां से वायर जाती हुई ऊपर की साइड पर थोड़ी नीटनेस वो खराब करके जाती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे इसकी जो केबल प्लेसमेंट उसे चेंज करा जा सकता है। एंड मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि क्योंकि इसके अंदर पंप नहीं है ना, तो उसको ओरिएंटेशन को चेंज करा जा सकता था। जब पंप होता तो फिर भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी, बट स्टिल मुझे लगता है कि इसे ऊपर की साइड पे फिट करा जा सकता था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा नीट लुक आ सकता था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वाले जो लिक्विड कूलर ये आते हैं 5 ईयर्स की वारंटी के साथ। इसके अंदर आपको डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे 240mm के रैड साइज मिल जाएंगे, 280mm के रैड साइज मिल जाएंगे, एज वेल एज यहाँ पे मैक्सिमम आप जा सकते हो 360mm के रैड साइज तक। तो ये इसके वेरिएंट्स अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसकी ट्यूबिंग के बारे में। पर्सनली ट्यूबिंग मुझे काफी स्टिफ लगी एंड ये सेम इशू मुझे और भी लिक्विड कूलर्स के अंदर देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको और फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता था। आज तक जो मैंने NMX का लिक्विड कूलर है उसकी सबसे ज्यादा अच्छी खासी फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग देखने को मिलती है, बट इसके अंदर भी थोड़ी स्टिफ देखने को मिलती है। यहाँ पे हमको जो लेंथ मिलती है ना वो 400mm की है एंड इसके ऊपर जो यहाँ पे हमको स्लीविंग देखने को मिलती है वो है ब्रेडेड नायलॉन स्लीविंग एंड यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग फिटिंग्स को यूज करा गया, जिसकी वजह से आपका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर थोड़ा ईज के साथ हो जाए एंड आपको ज्यादा ठूसना ना पड़े कुछ भी। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसके रेडिएटर के बारे में। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे मैंने S36 वाला यूज करा है, तो मेरा जो रैड साइज है इसके लिक्विड कूलर के अंदर वो है 360mm का एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमको जो पूरा का पूरा यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है वो है एल्यूमिनियम बेस्ड। यहाँ पे जो हाउसिंग है वो भी एल्यूमिनियम बेस्ड है एंड यहाँ पे जो फिन्स है वो भी एल्यूमिनियम के ही बने हुए हैं। अगर बात करें यहाँ पे फिन्स पर इंच की, तो यहाँ पे हमको 19 फिन्स पर इंच देखने को मिलती है जो कि अच्छी है। यूजुअली मैंने देखा है कि 19 से 21 के बीच में आपको इस प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलता है, तो ये नॉर्मल से है तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पंप है उसको यहाँ पे रेडिएटर के अंदर फिट करा गया है, जो कि यहाँ पे पूरे के पूरे लूप के अंदर कूलेंट को फ्लो करवाएगा। एंड इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों ऐसा करते हैं आजकल ब्रांड, बहुत सिंपल सा रीजन है। तो यहाँ पे जो पंप का मैक्सिमम स्पीड है वो है अराउंड 4000 RPM, 4000 अराउंड बोला है, तो ये चीज ध्यान रखना। एंड यहाँ पे जो बियरिंग यूज करी गई है वो यहाँ पे सेरामिक बियरिंग। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके फैंस के बारे में। एक लिक्विड कूलर के लिए उनके फैंस उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितने पेड़ के ऊपर फल, ठीक है सेंस बन गया होगा कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मेन बात यह कि इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं फ्रैक्टल डिजाइन के आस्पेक्ट 12 RGB PWM फैंस। ये वाले जो फैंस हैं इनकी जो RGB है, मुझे पर्सनली इनके जो पुराने वाले फैंस आते थे जो कि थे इनके प्रिज्मा फ्रैक्टल डिजाइन प्रिज्मा फैंस, उनसे मुझे बेटर लगी एंड उनसे थोड़ी ब्राइट भी लगी टू बी ऑनेस्ट। साथ ही साथ यहाँ पे ये वाले जो फैंस हैं इनके अंदर आपको जो स्पीड देखने को मिलती है वो है अराउंड 500 से लेकर 2000 RPM तक की एंड यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम एयर फ्लो देखने को मिलता है वो है अराउंड 56 CFM। एंड अगर मैं रिस्पेक्टिवली बात करूँ अकॉर्डिंग टू दी स्पीड, तो यहाँ पे 13 से लेकर 56 CFM का आपको एयर फ्लो देखने को मिलेगा मैक्सिमम। यहाँ पे जो फैंस के अंदर बियरिंग यूज करी गई है वो है राइफल बियरिंग। नाउ राइफल बियरिंग ना मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा देता हूँ, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो यूजुअली ज्यादा होता है एंड इनका जो नॉइस लेवल होता है ना वो भी कम होता है कंपैरेटिवली, तो ये अच्छी बियरिंग्स होती हैं जो कि फैंस के अंदर यूज करी गई है, सो अच्छी बात है। एंड आजकल मैक्सिमम फैंस के अंदर जो अच्छे क्वालिटी के फैंस होते हैं उनके अंदर राइफल बियरिंग ही यूज करी जाती है, जैसा कि मैंने देखा है। एक चीज जो कि मुझको काफी अच्छी एंड वेल प्लान्ड लगी वो ये है कि यहाँ पे हमको सारे की सारे फैंस डेजी चेन मिलते हैं, मतलब कि आपको एक ही कनेक्टर के थ्रू मदरबोर्ड पे प्लग इन करो बाकी सारे के सारे डेजी चेन हो जाएंगे। एंड सेम इन दी केस ऑफ ARGB हेडर्स एज वेल, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेल टू फीमेल कनेक्टर मिलता है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे आराम से ARGB को भी डेजी चेन करके एंड उसके बाद एक ही अपने ARGB मदरबोर्ड के हेडर पे कनेक्ट करो एंड आप उनसे सब कंट्रोल कर पाओगे। तो वीडियो के हम ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी बतानी है वो है इसके थर्मल्स के परफॉर्म कैसा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर ग्राफ दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि डिस्कस करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज करा है। मैंने यहाँ पे यूज करा है AMD का Ryzen 7 2700, जो कि मैंने 3 केस लिए हैं। पहला केस है स्टॉक फ्रीक्वेंसी, जिसके अंदर मैं देखना चाहूंगा कितना बूस्ट होता है। सेकंड केस है यहाँ पे इसकी एक ओवरक्लॉक फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड केस भी इसकी एक और ओवरक्लॉक फ्रीक्वेंसी, जो कि उससे हाई मैंने ओवरक्लॉक करी है। तो ये सारी चीजें आप अभी देखो एंड अपनी स्क्रीन पे आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करा एंड कितने टेम्परेचर निकल के आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अपने एम्बियंट टेम्परेचर के बारे में, जो कि है 21 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ पे जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज करा है वो है IDA64 Extreme। 30 मिनट्स तक मैंने यहाँ पे तीनों ही केस के अंदर इसको यूज करा है। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पहला केस है वो है स्टॉक मोड, इसके अंदर यहाँ पे मैक्सिमम बूस्ट फ्रीक्वेंसी पूरा लोड डालने के बाद जो
अचीव हुई है वो है 3416.90 MHz जो कि अराउंड 3.4 GHz। एंड यहाँ पे जो वोल्टेज थी वो भी इसकी ऑटो पे थी तो वो गया है अराउंड 1.05 वोल्ट्स। यहाँ पे जो एवरेज फैन स्पीड थी वो थी 1882 RPM। एंड यहाँ पे जो एवरेज पंप स्पीड थी वो थी 4177 RPM जो कि अपनी मैक्सिमम पे चल रही है पंप एंड फैंस दोनों के दोनों। एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर रीच हुआ वो है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी कोर्स 3.4 GHz पे चल रही थी। एंड यहाँ पे जो पावर कंजप्शन था वो था अराउंड 71 वॉट्स का। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट केस है वो है एक ओवरक्लॉक फ्रीक्वेंसी जिसको मैंने यहाँ पे ओवरक्लॉक करा है सारी की सारी कोर्स को ऑन 4 GHz एट 1.25 वोल्ट्स। एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर रीच हुआ है वो है 56 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ पे जो पावर कंजप्शन था वो था 112 वॉट्स का। तो ये भी काफी अच्छा खासा टेम्परेचर देखने को मिला है इवन आफ्टर ओवरक्लॉकिंग। उसके बाद बात करें यहाँ पे जब मैंने सीपीयू को पूरा मैक्सिमम पुश कर दिया एंड मैंने यहाँ पे इसको ओवरक्लॉक करा 4.15 GHz एट 1.3875 वोल्ट्स। एंड अब यहाँ पे जो सीपीयू का पावर कंजप्शन था वो पहुंच गया था अराउंड 150 वॉट्स का। एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचा वो है 68 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख पाओगे कि जो टेम्परेचर्स है वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल एंड बहुत अच्छे निकल के आए हैं इवन आफ्टर ओवरक्लॉकिंग दिस 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला सीपीयू। जो टेम्परेचर्स थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे। तो प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इसका जो प्राइस यूएसडी में है वो है $119 जो कि अगर मैं इंडियन में कन्वर्ट करूं तो 9000 रुपीज निकल के आता है। बट अगेन ये इंडिया है तो यहाँ पे जीएसटी ऐड होगा, तो जीएसटी ऐड होने के बाद इसका जो प्राइस निकल के आता है रफ वो है अराउंड 11,000 रुपीज। नाउ अगर ये एक्जैक्टली इसी प्राइस पे निकल के आता है 11,000 पे तो ये बहुत अच्छी डील होगी आप लोगों के लिए बिकॉज एआरजीपी से भरपूर है, फैंस काफी अच्छे हैं, यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। तो ये है गाइस मेरा रिव्यू ऑन दिस लिक्विड कूलर जो कि है फ्रैक्टल डिजाइन का ल्यूमिन S36 RGB लिक्विड कूलर। पर्सनली मुझे इसका लुक एंड डिजाइन सब कुछ बहुत बेहतरीन लगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल को देखना चाहते हो और ज्यादा सो देखते रहो यार, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मैं अपना आउटरो ही भूल गया आज। तो अगर आपको अमेजन से कुछ ही परचेज करना है तो नीचे के लिंक से परचेज कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड एज ऑलवेज आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।